सत श्री अकाल सारेनू, मैं हूँ बालप्रीत और यह है मेरा भाई बालराज। और आज हम आपको बताने वाले हैं 7 Wonders of World के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये इन लोगों ने बनाया था अपने किंग कुंफूस के टोम के लिए। तो हॉनर करना चाहते थे कि हमारे किंग कुंफूस की टोम के लिए हम ये ग्रेट पिरामिड बनाना चाहते हैं। एंड ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 7 नंबर एंड दिस इज़ द ओनली वन टू रिमेन लार्जली इंटैक्ट। एंड ये इन लोगों ने बनाया था इन 26 सेंचुरीज, तो 2600 BC में। एंड इसको बनाने के लिए लगे थे टोटल 20 ईयर्स एंड इट टुक अराउंड 20,000 वर्कर्स टू बिल्ड दिस। एंड ये इसकी दिस इज 139 मीटर टॉल। तो ये बात थी हमारे पहले वंडर की ऑफ द वर्ल्ड की। एंड मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, मैं इजिप्ट में, तुम जाना चाहते हो? चलो दूसरे वंडर की आगे बढ़ते हैं। इसको तो बोलना ही आता है। ओके, सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड पे है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। तुम्हें पता है ये कहाँ लोकेटेड है? चलो नहीं पता इसे। ये लोकेटेड है हिला इराक में। ओके, कहाँ पे? इराक पे लोकेटेड है। और ये किंग नेबूकदनेज़र ने बनाया था। बहुत डिफ़िकल्ट है इसका नाम प्रोनाउंस करने में। ये अपनी वाइफ एमिटिस को सरप्राइज़ करना चाहते थे, प्लीज़ करना चाहते थे ये बना के, क्योंकि उसकी वाइफ को बहुत पसंद था जैसे माउंटेंस, ट्रीज, इसलिए ये उसने बनाया था। एंड इसकी एक बहुत ख़ास बात है कि ये ट्रीज़ जो है, ये रूट, अपनी रूट ये अर्थ से कनेक्ट नहीं करते, ये इसके जो है सारे वॉल में होते हैं। तो दिस इज़ द वन। And it was destroyed by in a earthquake after first centuries. मतलब ये एक earthquake में destroy हो गया था। तो इसको बनाने में लगे थे 43 years, build करने को लगे थे। तो 43 years king ने अपनी wife को बोला तू wait कर, मैं तेरे लिए बना के आता हूँ। And ये था हमारा second wonder, the hanging garden of Babylon. तो अब हम चलते हैं third wonder में। एंड ये है द स्टैचू ऑफ जियोस एट ओलंपिया ग्रीस। तो इसको बिल्ड किया था 466 BC में और इसकी हाइट थी 13 मीटर थी इसकी हाइट। एंड ये बनाया था एक स्कल्प्टर ने जिसका नाम है फिडियस। एंड इसको बनाया गया था अपनी जो जियो वॉज द किंग ऑफ ग्रीस, उसके जो स्टैचू को बनाया गया था तो उसको हॉनर करने के लिए बनाया था, कि उसको मतलब उसको हॉनर करने के लिए बनाया था क्योंकि ही वॉज द किंग ऑफ, वो बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए ये बनाया गया था। और इसको बनाने के लिए लगे थे टोटल 8 years। एंड ये बना था अ वुडन फ्रेम एंड वॉज कवर्ड बाय इनॉर्वी एंड गोल्ड पैनल्स। तो एंड ये एम्पायर थियोडोरस ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था स्टैचू को, एंड उस टेम्पल को पूरा ही बंद कर दिया था, मतलब इसने उसका टैश नैश कर दिया उस पूरे स्टैचू का, टेम्पल का, और टेम्पल को ही बंद कर दिया। एंड अब कई कहते हैं ये अब लोकेटेड है आर्कियोलॉजियन में, जो एक साइट है ओलंपिया में। तो ये अब कई कहते हैं कि यहाँ वहाँ पर लोकेटेड है। ये तो भाग गया, इसको पता है कि इसको नहीं पता है जो बाकी के 4, 5, 6, 7 जो वंडर्स है इसको नहीं पता, तो ये भाग गया है ताकि मैं इसके क्वेश्चन ना कर सकूँ। चलो हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड जो फोर्थ वंडर है वो है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट इफिसस, इफ आई एम करेक्ट, यस। तो ये बिल्ड किया गया था कोरियोसिस, एक किंग था ऑफ लीडिया, एक्टिमिस, और ये बनाया गया था ऑफ मार्क।
एंड अब ये था हमारा फोर्थ वंडर द टेम्पल ऑफ एटनेस एट ई. तू कहाँ गया था? आम लेने गया था. चाहिए? ये मेरा भाई ना एक बंदर है, अगर बंदरों का ना कोई दूसरा रूप है ना तो ये है. तो मैं तो कभी कहती हूँ कि बंदर ही है ये, टोटली बंदर. एंड तो चलो हम शुरू करते हैं. ये फोर्थ वंडर था एंड अब जाते हैं फिफ्थ वंडर पे. और ये है द मॉसोलियम एट हेलिकेनेसिस. ओके, यस. एंड ये बिल्ट किया गया था टू ऑनर मैसोली माओ, इसको प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, माउसोलिस कैलिया कार्लिया. ये जो सारे वंडर्स हैं मुझे तो लगता है ये हॉनर करने के लिए ही बिल्ड करे जाते हैं. एंड ये बिल्ड इन लोगों ने किया था द 353 BC में और ये फिनिश हुआ था 351 BC में. तो इसको एटमिसिया ने बिल्ड किया गया था. एंड ये लोकेटेड है टर्की में, टर्की. एंड इट्स मेड ऑफ मार्बल एंड इट्स इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थ क्वेक एंड इट लास्ट फॉर 3 centuries ओनली. तो ये था हमारा फिफ्थ वंडर एंड हम जाते हैं सिक्स वंडर पे. ये है द कोलोसस ऑफ रोड्स एंड इसको बिल्ड किया गया था 292 BC में. एंड इसको बिल्ड किया था बाई कैरस ऑफ लिंडोस एंड इसको बिल्ड किया था टू थैंक द गॉड फॉर द विक्ट्री. जो इन लोगों को विक्ट्री मिली थी, इनको लोगों ने जंग फाइट की थी और इन लोगों ने जंग के बाद जो जीते थे विक्ट्री मिली थी और वो गॉड को थैंक करने के लिए इन लोगों ने ये बिल्ड किया. एंड ये बना था ऑफ आयन, आयन से ये बना गया था. एंड इसको ये लोकेटेड है इन सम अननेम रोड रोड्स रोडोस में 85,100 ग्रीस में. इसको बिल्ड ये वहाँ पे लोकेट करता है सच, मतलब कि कौन सी डेस्टिनेशन है मुझे ये भी नहीं पता, ये वहाँ पे लोकेट करते हैं. एंड हम जाते हैं सात वंडर पे. कहाँ पे? सात वंडर पे. और दिस इज द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया. ये लोगों ने बनाया था ताकि जो भी गाइड कर सकते हैं सेलर्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो भी सेलर्स है ना तो अगर उन लोगों को गाइड कर सके ये दिस इज़ द वे दिस इज़ दैट. एंड ये लोकेटेड है फेरस में, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, ये भी इजिप्ट में है. एंड इसको बिल्ड किया था सोस्टेरस ऑफ क्रिंडस ने एंड इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय अ अर्थक्वेक. ये डैमेज किया गया था बाय अ अर्थक्वेक, बहुत सीरियस एंड ग्रेट अर्थक्वेक था. एंड इसकी जो टावर बनी थी इसकी एंड वो मतलब बिखर के, मतलब कहते हैं कि उसके जो पार्ट्स थे वो 3 टुकड़ों में टूट के समुंदर की ओर में गिर गए, फॉल इन द सी. एंड इसका शेप था स्क्वायर था एंड बिलो स्क्वायर था ये सारा कुछ. एंड ये कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 284 and 246 BC. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेवन वंडर्स तो सेवन वंडर्स की लिस्ट में नहीं आते हैं, प्रेजेंट सेवन वंडर्स की लिस्ट में नहीं आते हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ओरिजिनल सेवन वंडर्स है जो काफ़ी डिस्ट्रॉय किए जाए गए गए हैं एंड ये ही है जो वो सेवन ओरिजिनल वंडर्स. तो जो आप देखते हैं वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड तो ये थी हमारी आज की वीडियो. एंड मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना. एंड ये मेरा भाई है, ये मैं, एंड वी आर साइनिंग आउट. बाय, सी यू अगेन सून.